जोधपुर के सीजीएम ग्रामीण कोर्ट काला हिरण के शिकार में 2 दशक पुराने मामले में आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम लोगों के खिलाफ आज अपना फैसला सुनाएगी। जोधपुर पुलिस ने साल 1998 में अलग अलग थानों में सलमान खान और बाकी आरोपियों के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज किए थे। 3 मामले काला हिरणों के शिकार के थे और 1 मामला आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार का था। बता दें कि आज जिस मामले में फैसला आना है वह कांकली काला हिरण केस है। वहीं बाकी केस में अभी तक क्या क्या फैसला है आपको बता दें। घोड़ा फार्म हाउस शिकार केस, इस केस में 10 अप्रैल 2006 को सीजीएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया। भावन गांव केस, इस केस में सीजीएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और 1 साल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। वहीं आर्म्स एक्ट केस, इस केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान खान को बरी किया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। अभी अभी सलमान खान से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि सलमान खान को जेल हो गई है, जो कि काला हिरण मामला था उसके अंदर सलमान खान को जेल हो गई है और जोधपुर कोर्ट ने अभी अभी ये फैसला सुनाया। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सलमान खान को जमानत मिलती है या नहीं, या फिर वो इससे बड़े न्यायालय में जाकर अपील करेंगे। अभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको हर खबर सबसे पहले।